Balochi National Movement hosted the 5th Balochistan International Conference during the 57th session of the UNHRC in Geneva on September 16th. Balochi activists, political leaders and human rights activists from around the world joined the Balochi National Movement's International Conference. The meeting aimed to draw global attention to the human rights violations in Balochistan and the Balochi struggle for rights. Speaking at the conference, members of BNM reaffirmed their commitment on advocating for Balochistan at the international stage. They also urged the global community to stand with the Baloch people in their fight for justice, dignity and independence. This level from 2013 I don't see this level of human body suitable. Hamare upar attack kiya gaya. Delivering courage, refusing to see this level of black from 2013 onwards. इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि दुनिया को पाकिस्तान का जो असल चेहरा दिखाना है. वो उधर जो है एक जेनोसाइड हो रहा है. ये नहीं कि जेनोसाइड सिर्फ जो है लोगों को मार कर हो रहा है. उधर हर चीज़ का जेनोसाइड, एजुकेशन जेनोसाइड हो रहा है, कल्चरली जो है आपको ख़त्म किया जा रहा है. Human rights violations were only done by Pakistan, but this time, as we feel, China is part of these violations. I don't see this level of clarity among this. On 22 October, हमारे ऊपर अटैक किया गया, हमारे delivering courage, refusing to. I don't see this level of clarity among this age group. But it's quite from 2013 onwards, as a हमारे ऊपर भी 1947 में 22 Yesterday I was watching a clip shared by a Baloch friend where hardly 7 or 8 those who humiliated a nation, they will be humiliated. She was referring to the army. I don't see this level of clarity. लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, प्रॉपर्टीज जलाई गई, लूटी. इवन आपको श्रीनगर और सेवन को महाराजा जो था हमारे कश्मीर. Unwavering courage. I just want to focus on Baloch onwards as I vividly remember. इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि दुनिया को पाकिस्तान का जो असल चेहरा दिखाना है. पाकिस्तान हर वक्त बलूचिस्तान को पॉजिटिव दिखाता है. वहाँ पर सी पैक जो रूट्स बन रहे हैं, लोग हैं उधर, उसी के नाम पर पाकिस्तान जो है एग्रीमेंट कर रहा है इंटरनेशनली. उसी के सिटी के लोगों में जो लोकल लोग हैं उनको जो है पैसे करके बाकी बलूचिस्तान से कट कर रहे हैं ना. उधर जो है डेमोक्रेटिक लोगों को जो है आवाज़ उठाने का फ्री है. अभी रिसेंटली बलूच यकजहती कमेटी का एक प्रोग्राम हुआ था राजी मुची के नाम पर. उधर क्या हुआ था पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम ने तो उधर तो कुछ नहीं दिखाया, मगर यह भी अच्छा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को या दुनिया को पता चल. तो इसी अवेयरनेस प्रोग्राम में BNM जो है हर साल कोशिश करता है कि जो है अपने जो महकूम आवाज़ें, जो अपने ओप्रेस्ड जो नेशन है उधर पाकिस्तान क्या मुजालिम कर रहा है, उनको जो है दुनिया के सामने आश्कार कर लें और पाकिस्तान का असल जो है पैसे वो दुनिया को दिखा दें. आज के कॉन्फ्रेंस में हमने जो पाकिस्तान या चाइना के पॉलिसियों से जो मुतासर अकवाम हैं उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है. इनमें हमारे साथ सिंधी, पश्तून, कश्मीरी और एगुर मुस्लिम्स भी हमारे साथ थे जिन्होंने बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान, सिंधु देश और ईस्ट तुर्किस्तान की जो मूवमेंट है उस पर एक अच्छे तरीके से बात की है, दुनिया को आज़ादी देने की कोशिश की है. ये हमारी एक बल्कि एक कोशिश भी है कि ये तमाम अकवाम यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाएं ताकि हम इन मजालिम जो मजालिम हम पे डाए जा रहे हैं पाकिस्तान चाइना अलायंस के ज़रिए, उनका हम एक ताकत के ज़रिए, एक मुत्तहिद फोरम के ज़रिए उसका मुकाबला कर सकें. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू शेड हाईलाइट ऑनगोइंग